तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात, आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से, कि केंद्र को करा लेना चाहिए और जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, और अगर इसी को मान ले जाति आधारित जनगणना आप पूरे देश का कर लेंगे, तो आपको आज लगता है कि बिहार में, तो बिहार का जो भी हुआ पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है, बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, तो जो भी है तो क्या है, आप पहले से संख्या बढ़ती ही ना गई है जी। पहले जो था उसमें 8 लाख से कुछ था, और दूसरी बार बढ़ करके हो गया मैंने 10-11 में 10 लाख से आगे, और इस बार बढ़ के हो गया 12 लाख से आगे, 12 करोड़ से। अब इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर, और वहीं पर जाकर के हम भी थे, और जो कर रहा था एक एक बात वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए, आ एक एक बात हमने कहा कि भाई हम लोग इतने हैं, आ भैया का 2 लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा है वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए, कह रहे जाना चाहिए ना, हम आपको बता जानने का है के लिए। नहीं नहीं मेरा बतवा सुन लो, बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए, आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं, आ कितना न्यूज छपा था, अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था, और सब हमसे पूछ रहा था बात। तो एक एक बात हम कह सबको करना चाहिए भाई, जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं, हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है, तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा। इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं, अब जो बतवा हो रहा है अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं आप देख लीजिए, हाँ हाँ सब, अरे सब है, अरे सर आप जरा देख लीजिएगा, सुनिए ना बैठिए ना, आप अभी आपको बैठिए ना बैठिए, आपको अभी बैठा सुनिए ना प्लीज, अरे आप सुनिए ना बैठिए ना, एक सेकंड सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं आप, अरे और बतवा सुन ना लीजिए, अरे सुनिए तो सही, आप बात कह रहे हैं वो अलग चीज है, अभी और बतवा सुन ना लीजिए प्लीज, अब तो आप बोल दिए ना भाई, अरे भाई आप एक बात बोल रहे हैं, अरे अभी तो दे दिया गया पूरे राज्य का आपको, आप कह रहे हैं कि सबका सर्वे हुआ है और उसको भी एक एक चीज को पब्लिश कर देना चाहिए, एक बोल रहे हैं तो हम लोग भी कहेंगे कि वो भी कर देना बाद में, इसमें क्या दिक्कत है, असली चीज है कि जो अच्छा आज तक हुआ है याद करिए ना, आज तक जो केंद्र से जो किया जाता है जनगणना जो होता है पूरे राज्य का देश का, तो उसमें कहीं पर भी किसी पंचायत का किसी का कुछ आता है रिपोर्ट, नहीं नहीं सुनिए, अब अलग बात है वो आप कह रहे हैं तो एक अलग चीज है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग सोच लेंगे, वो आपका विचार है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया गया, तो एक एक तरह से जो सब कुछ कर दिया गया, अब आप समझ लीजिए कि आप सबको मालूम है कि आप सबको जो कुछ भी हम लोगों ने आप सब लोगों से बातचीत किया था उस सब लोगों से तो आपकी चर्चा हो ही गई और सब कुछ की स्वीकृति हो गई,
और समझ लीजिए, जाति आधारित गणना को दो चरणों में कराया गया। प्रथम चरण में मकानों के नंबरिंग एवं सूची तैयार की गई है और दूसरे चरण का पूरा सर्वे काम किया गया है। और जब सर्वे का काम अंतिम चरण में था, इसी बीच कुछ लोग पटना मेडिकल कॉलेज में गए थे तो देर हुआ, तो हम पहले ही बता दिए हैं। और जो 2 अक्टूबर को ही बापू के जन्मदिन पर हो गया, जो कि आप लोगों से फिर बात कर ही दिया गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एक बात अच्छी तरह हम बता देना चाहते हैं आपको कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल मिला के मिल गया है 2,76,00,000 परिवार। जो रिपोर्ट आई है वो यही है, तो उसमें दिया गया है, सर्वे करके दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि 59.13% लोगों के पास पक्के मकान हैं। जो आ गया है कि जितना लोग है, जितना है परिवार, उसको पक्का मकान है। और लगभग 39,00,000 परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। और वही 63,850 परिवार आवासहीन पाए गए कि उनको किसी तरह का नहीं है, ये सब दिया गया है। और जिनके पास घर नहीं, जिनके पास घर तो नहीं है, जमीन भी नहीं है उनको, ये सब रिपोर्ट एक एक आ गया है भाई, इसको गौर करिए। अब परिवार की आय के आधार पर 94,00,000 से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले, आर्थिक रूप से गरीब मिले हैं। सब में हम सब जात का करवाए हैं, यानी जो 34.14% हैं सभी वर्गों में गरीब लोग पाए गए। सामान्य वर्ग यानी अपर कास्ट, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू के 4 और मुस्लिम के 3 उसमें शामिल, कितना है 25.09% सामान्य वर्ग के। और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग का है उसका 33.16% है और अति पिछड़े वर्ग के 33.58% है। अनुसूचित जाति में 42.93% और अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42.70%। इतना इनका मिल गया है कि गरीब लोग पाए गए, एक एक चीज का अध्ययन कर लिया, तो समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट जरा रुक जाया जा। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है, शुरू किया। ठीक ठीक, तो अब ये बात कह रहे हैं आपको कि अब क्या हो गया है, 2011 के जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61.8% बढ़ करके, अब सोच लीजिए साक्षरता दर कितना बढ़ा, हम लोग कितना मेहनत किए भूला गए हैं, हम लोग लगातार जो लोगों के हित में काम किए हैं, तो साक्षरता दर से बढ़कर 79.70% हो गई है। महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है, 51.5 से बढ़कर 73.91% हो गया है। और कितना विकास हुआ देख लीजिए, अब बिहार महिला शिक्षा के स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब 11 की तुलना में अब बिहार में मैट्रिक पास महिलाओं और जनजाति की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के कारण, अब आप जानते हैं ना कि जब भी जो भी दिया गया है 50% का है तो अनुसूचित जाति और जनजाति को 100% मिलता है। तो अभी तक बिहार में क्या था, 16 और 1 17, तो अब चूंकि संख्या बढ़ गई है 19.65, तो ये 19.5 से आगे है, तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति का 1.68 है तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 22% देना पड़ेगा 17 की जगह पर। ये तो स्वाभाविक है ना, उनको 100% का शुरुआत से प्रावधान है भाई, तो उनके लिए तो देना ही ना पड़ेगा,
सरकारी सेवाओं में। बेटे फिर बैठ, ठीक है, अरे धन्यवाद, सुन बैठे बैठे, आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए बैठिए। अरे अभी आगे वाला एक मिनट बोलने दीजिए, अरे प्लीज, अरे इसके बाप कहिएगा हम सुन ला, अरे पहले सुन लीजिए ना प्लीज, अरे सुन लीजिए ना, ठीक है बैठिए ना बैठिए ना, अरे हम तो आपको बता दे रहे हैं बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति का 20% और अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 2%। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से प्रावधानित 3% आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में समाहित किया जा सकता, तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम 35% दे दिए हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है उनको 3% कहीं करने का, पिछड़ा अति कोई आवश्यक है नहीं, उसको अब छोड़ देना चाहिए, वो तो दे ही रहे हैं हम लोग 35%, पूरे बिहार में दे रहे हैं हर जगह महिलाओं को, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए, और संख्या कितनी हो गई जरा तो आप देख ही ना लिए हैं, कितना हो गया 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए तो आप उसको कितना बचा, 28% ना बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके बैक पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10% हम लोग भी यहां कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 10%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो, और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया, तब तो अपर कास्ट में 10%। तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कर, ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर, और 10% सुनिए ना, और 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75 तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इसके बाद जो है ना, सुनिए ना, बाद में हम आएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज है, अब जो आपको बता ही दिए हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने का, ये तो हम संख्या बढ़ा दिए कि कुल कितनों को जगह मिलनी चाहिए रिजर्वेशन का, 50 को बढ़ा के 65 की बात हुई। आप आर्थिक स्थिति की बात भी आप लोग किए ना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए, 65 पहले ही बता दिए हैं, 25.09% सामान्य वर्ग के हैं, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, 42.93% अनुसूचित जाति तथा 42.70% अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गरीब हैं, हम पहले ही बता दिए हैं। तब सभी को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार, इस सबको मिला करके देखिएगा इतना प्रतिशत है, 94 लाख बहुत ही गरीब परिवार, अपर कास्ट हो बैकवर्ड हो अति पिछड़ा हो कोई भी हो,
और अनुसूचित जाति जनजाति और हिंदू मुस्लिम सबको, इस सबको मिला करके इतना। तो शुरू से ही विकास में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं, अब विशेष योजनाओं का काम चल रहा। अब जाति आधारित गणना में लगभग सभी जातियों के 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को, बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई।